ओके दोस्तों, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो प्रश्न नंबर कितना है, 7। इसमें क्या बोलता है, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, जहां ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र क्या है, 2 और -3 है, तथा बी का वैल्यू कितना दिया है, 1 4। तब जाके क्या बोलना है कि आपको क्या करना है, ए का क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए, हमने पहले से ही एक फिगर बना के रखे हैं। इसमें आप लोग देखिए, यहाँ पे एक वृत्त है जिसमें बी का मान दिया गया है, ए का सी का मान दिया है। सी मेरा किसी वृत्त का जो है केंद्र क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे हमने सी एक्स वाई बराबर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 + x2 / 2, और दूसरा क्या मध्य बिंदु का होता है, y1 + y2 / 2 होता है। ओके, सी एक्स वाई का मान दिया है, यानी कि सी 2 और -3 दिया हुआ है, एक्स वन का मान कितना है, x है। ओके, और वाई वाई टू का मान कितना है, 1 बटे कितना हुआ, 2। इसके बाद y का मान कितना है, y, और वाई टू का मान कितना है, 4 बटे 2। ओके, x का वैल्यू x के बारे में, ये y का वैल्यू कौन होगा, ये, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 = x + 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब कीजिएगा तो इसका वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 2 × 2 = x + कितना आएगा, 1, तो ये हो जाएगा 4 = x + 1। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 इधर गया तो -1, एक्स का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे देखिए 3। सेम अगर वाई को देखे, यहां से देखे चलते हैं, वाई का वैल्यू कितना है, -3 है। इसके बाद यहां से देखे क्या चलते हैं, y + 4 = कितना है, 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा -3 × कितना हो जाएगा, 2 = y + कितना हो जाएगा, 4, तो मेरा -6 = कितना हुआ, y + कितना हुआ, 4, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 इधर गया तो -4, तो y का वैल्यू कितना आया, माइनस कितना आया, 10, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3, और y का वैल्यू कितना है, 10, तो a का जो निर्देशांक होगा 3 और कितना होगा, -10, ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेके आप लोग आराम से इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, और आपको बताना चाहेंगे, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पे नहीं है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कितना है, 8 नंबर। इसमें क्या बोलता है, यदि ए और बी क्रमशः क्या है, -2 और -2 और 2 - 4 हो, तो बिंदु पी का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि कंडीशन क्या दिया गया है, एपी बराबर 3/7 ए बी हो, तो पी रेखाखंड क्या है, ए बी पे क्या है, स्थित है। ओके, यहाँ तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इस यहाँ पे देखिएगा एक फिगर बनाते हैं जिसमें क्या है, ए बी रेखा क्या बोल रहा है, पी पे स्थित है। ओके, ए और बी का मेरा मान कितना दिया है, ए का मान दिया है -2 और फिर से क्या दिया है, -2, और बी का भी मेरा मान दिया है, बी का मान कितना है, 2 और -4। ओके, इसके बाद जो है पी का क्या कहता है, निर्देशांक, जिसमें कंडीशन मेरा क्या दिया गया है कि एपी बराबर क्या है, 3 AB और बटे कितना है, 7, 3 AB / 7, ये मेरा कंडीशन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एपी और एबी को हम क्या कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं और बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/7। अब इसको व्यक्तक्रम कर देते हैं, व्यक्तक्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं AB / AP और बराबर 3/ कितना लिख सकते हैं, 7। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 घटाने पर दोनों तरफ क्या कीजिए, 1 घटा दीजिए, तो AB / AP - 1 = 3/7 और माइनस कितना हुआ, 1, तो कितना हो जाएगा ये, AB - AP / AP = 3 - कितना हुआ, यहां पे सॉरी गलती हो गया, फिर 3/AB, यहां पे हमने एक मिनट जस्ट अभी
जब हमने ए बी को यहां पे क्या क्या व्यतिक्रम किया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 7/3 करना पड़ेगा, सॉरी यहां पे मेरा मिस्टेक क्या हुआ था, 7/3 करना पड़ेगा। तो उत्तर मेरा कितना आया, 3 आया। -1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 - 3। तब ए बी माइनस ए पी यानी कि पूरी ए बी में ए पी को घटा दीजिएगा, ये पूरा ए बी में देखिए ये पूरा यहां से यहां में इतना घटाइएगा तो क्या बचेगा मेरा, पी बी या बी पी। तो यहां बचा बी पी और बटे नीचे क्या है, ए पी। अब 7/3 है तो 4/3 यानी कि बी पी अनुपात ए पी कितना हुआ, 4:3। बीपी के जगह पे 4, बीपी के जगह पे कितना हुआ, 4, एपी के जगह पे 3। ओके, तो मेरा जो आया एपी के जगह पे कितना हो जाएगा, 3। अब क्या कहता है, पी का निर्देशांक, पी का क्या करना है, निर्देशांक निकालना है, पी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। धुरी सूत्र विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 + m2x1 और बटे m1 + क्या होता है, m2। ओके, और दूसरा वाई के लिए क्या होता है, m1y2 + m2y1 और बटे m1 + क्या होता है, m2। ओके, तो मेरा m1 का वैल्यू कितना हुआ, देखिए ये हुआ मेरा m1, ये हुआ m2 जो कि यहां पे नहीं तो लिखेंगे 4, ये हुआ x1 और ये y1, यहां पे क्या हुआ x2 और ये क्या हुआ y2। ओके, तो मेरा m1 का वैल्यू कितना है, 3, x2 का वैल्यू कितना है, 2। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 2 + x2, m2 का वैल्यू कितना है, 4 और y1 का वैल्यू -2, तो 4 - -2। अब बताइए m1 m2 कितना निकाल रहे हैं, 3 + 4। सेम इसी तरह m1 का वैल्यू कितना है, यहां पे देखिए 3 और y2 का वैल्यू कितना है, -4, तो 3 - -4 और प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 4 और y2 का वैल्यू कितना है, -2, तो 4 - -2 आप बटे m1 m2 का वैल्यू 3 + कितना है, 4 है, तो 3 × कितना हो जाएगा, ये 6 और -4 × 8 बटे कितना हुआ, 7। इधर क्या हुआ, -4 × 12 और -4 × 8 बटे कितना हुआ, 7। 6 में 8 गया, माइनस कितना हुआ, 2/7। 12 + 8 कितना हुआ, -20 / कितना हुआ, 7। तो हमारा जो वैल्यू आया वो कितना आया, एक का आया -2/7, दूसरा का क्या आया, -20/7। ये हमारा क्या हो गया आंसर, किसका, पी एक्स वाई का मेरा क्या हुआ आंसर। आप एक बार इसको देख लीजिए, यहां से हमने आपका एक बार स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट लेके आप इसको हल कर दीजिए, यहां से मैं दोबारा देखी। ओके, आप इसका क्या कीजिए, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और आराम से आप लोग क्या कीजिएगा बना।